हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम बैक टू दी चैनल गुरुकुल बाय ओसवाल। सो बच्चों, आज हम अपना क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के MIQs कवर करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि डायरेक्टली बच्चों आपको हेल्प करने वाले आपके अपकमिंग जो मिड टर्म एग्जाम है और साथ ही साथ आगे भी, क्योंकि फाइनल एग्जाम में तो सारे सिलेबस आता है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको MCQs शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 2, 3 और 5 मार्क्स वाले हैं, सभी आपको मिलेंगे। और ये जो सीरीज है ना बच्चों, वो आपके कंप्लीट, चाहे वो SST की हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी कवर कराई जा रही है, एज वेल एज जो आपके अदर सब्जेक्ट है लाइक मैथ, इंग्लिश, साइंस, सभी के। और अच्छी बात है कि बच्चों आपके लिए जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है उसमें आपको सभी PDF फ्री में अवेलेबल कराई जा रही है, ताकि आप अपनी सेल्फ स्टडी के टाइम पे उन PDFs का यूज कर सको। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब शुरू कर लेते बच्चों आज की इस सेशन को, जो कि है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो देखिए बच्चों, इस लेसन के अंदर ना ऐसे दो चीजों के बारे में, एक साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन सेकंड इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी बातें बताई गई है। तो देखिए MCQ क्वेश्चन में कौन कौन से आते हैं। नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन Why a constitution is necessary? तो बस आपको एक odd identify करना है कि बस जो इतना ज्यादा necessary नहीं है। तो देखिए constitution के बारे में, to provide a framework for government, obviously ये तो होना चाहिए। To limit the power of government, ये भी होना चाहिए। कोई भाई dictator बन जाए क्या guarantee है? Guarantee the right of citizen, obviously ये तो चीजें provide करा था। जब तीनों सही है तो automatically to dictate daily Choice of citizens, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट मस्ट बी रिटन। तो ये हो सकता है, लेकिन हम एसेंशियल फीचर्स की बात कर रहे हैं। इट मस्ट बी रिजिड एंड अनचेंजेबल, ये ऐसा तो नहीं है। इट मस्ट आउटलाइन द स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट, इट मस्ट स्पेसिफाई द इकोनॉमिक पॉलिसी। देखो इकोनॉमिक पॉलिसी इसमें काम नहीं आती, पॉलिटिकल बेशक काम आती है, पहला और दूसरा वैसे इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। देखो इसमें बोला इट मस्ट बी, मतलब जरूरी हो रिटन फॉर्म में, ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखिए ब्रिटेन एक कंट्री है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन में नहीं है, वर्बल है, है ना। तो इसलिए इट मस्ट आउटलाइन द स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन माइट प्रोटेक्ट, टू राइट टू ओन अ कार, यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द राइट टू फ्री स्पीच, देखो ये अप्रोप्रिएट लगता भी है। द राइट टू अनलिमिटेड वेल्थ, देखो ये चीजें नहीं आती। इकोनॉमिक जो चीजें होती है वो इंडिविजुअल के हाथ में होती है। द राइट टू ब्रेक द लॉ, यार ये तो बिल्कुल ही आउट हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी, एक आजाद देश में आजाद नागरिक होने का मतलब है कि वो अपनी बात सामने रख सके, फ्री स्पीच हो सके। क्वेश्चन नंबर 4, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैसे होती है। तो फेडरल जहां पे दो या दो से ज्यादा टाइप की गवर्नमेंट होती है, तो सारी पावर क्या सेंटर्ड होती है, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ऐसा तो हमें ज्यादातर जो कम्युनिस्ट होती है वहां पे देखने को मिलता है, पहला गलत होता है। पावर जो है वो शेयर की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट में, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर लगता है। बाकी हमें सी और डी भी देखना चाहिए। पावर जो है वो सोलली वेस्टेड होती है रीजनल गवर्नमेंट्स में, ऐसा जरूरी नहीं है। और देयर इज अ नो गवर्नमेंट इन द फेडरल सिस्टम, ये तो पूरा ही ऑड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। आप एलिमिनेशन का भी प्रोसेस जरूर फॉलो करा करें, अपने आप आंसर भी निकल जाता है। अपार्टियड क्या था? तो सिंपली एक सिस्टम था रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका, जहां पे ब्लैक वर्सेस व्हाइट जैसी सिचुएशन हुई थी, यानी कि वो जो व्हाइट है एक्सप्लॉइट करते थे ब्लैक पीपल को, जो वहां के नेटिव पर्सन थे। व्हाट वाज द इंटरनेशनल कम्युनिटी रिस्पांस टू द अपार्थियड? तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसका रिस्पांस क्या था? तो वाइड स्प्रेड सपोर्ट, इनडिफरेंसेस
कंडेंशन एंड द सेंक्शन, ये बिल्कुल है। देखो ऑप्शन नंबर ए भी जो था ना वो भी कई हद तक ठीक होता है, लेकिन अलग वे में, कि वो अपार्थियट के वाइड स्प्रेड सपोर्ट में नहीं थे बल्कि वाइड स्प्रेड अगेंस्ट में थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लिखा जाता कि अगेंस्ट में, तो आप ये बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक बात हुई थी कंडेंशन और सेंक्शन के बारे में बात किया गया था कि ये टोटली गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विच ऑफ दिस इज अ कोर वैल्यू इंश्योर्ड इन दी न्यू अफ्रीका, के बारे में बात हो रही है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सिंपली था कि नॉन रेशियलिज्म एंड द इक्वेलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिली थी। हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प डाइवर्स ग्रुप लिव टुगेदर, तो डाइवर्स ग्रुप जो एक से ज्यादा में डिवाइडेड होते हैं, जैसे हमारे देश के अंदर भी बहुत ज्यादा डाइवर्स ग्रुप है, अलग अलग सबकी जो कल्चर है, कस्टम है, लैंग्वेजेस है, सब अलग अलग टाइप के हैं, तो वो क्या चीज है, तो वो है कि एक कॉमन सेट ऑफ रूल एंड वैल्यूज जो कि डाइवर्स ग्रुप को कनेक्ट या फिर लिव टुगेदर करने में काफी हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन माइट गारंटीड, तो इसके अंदर सिंपली है द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसा कि हमने पहले भी कवर किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन माइट प्रमोट सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस के लिए इसमें क्या करता है, तो सिंपली देखिएगा इसमें बताया गया कि बाय प्रोविडिंग डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, जेंडर और रिलीजन का ये है, बाय फेवरिंग द वेल्थी ओवर द पुअर ये नहीं हो सकता, बाय डिनाइंग एजुकेशन टू सर्टेन ग्रुप ऐसा भी नहीं है, बाय अलाउ द गवर्नमेंट टू ऑटोमेटिकली अरेस्ट एंड डिटेन सिटीजन तो ये भी नहीं है, तो बस ये था कि डिस्क्रिमिनेशन रेस, जेंडर और रिलीजन के ऊपर इसे प्रॉपर तरीके से प्रोविडेड कर देना, यानी कि बैन लगा देना, तो ये चीजें जो है वो सोशल जस्टिस को प्रमोट करती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग लीडर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द अर्ली स्टेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, तो देखो वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू जी और बी आर अंबेडकर जी का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अर्ली स्टेज की बात करिए तो 1928 में आपको पता है कि एक सेशन हुआ था, मोतीलाल नेहरू के अलावा भी और अदर मेंबर्स थे, तो इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा था। ऑप्शन सी के साथ आप आराम से जान सकते हो। मोतीलाल नेहरू फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। विच बॉडी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सिंपली उसे कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, है ना, तो इसी के अंदर सारे सदस्य थे जिनमें डेली बेसिस पे डिबेट एंड डिस्कशन होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे स्टार्टिंग में सेवन थे बट प्रेजेंट टाइम में सिक्स है, तो राइट टू इक्वल पार्ट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी पार्ट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी पास है, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी ये पहले एक फंडामेंटल राइट होता था, अब ये एक लॉ बना दिया गया है, तो इसलिए इसे रिमूव कर दिया गया, तो अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है और हमने नॉट का ही आंसर देना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को बनने में कितना टाइम लगा, तो ऑलमोस्ट 2 years 11 months 18 days, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिएगा, when was the Indian Constitution adopted, तो adopt हमने कब कर लिया था, जब इसका draft ready हो गया था 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद, हमने 26th November 1949 का time था जब हमने इसको adopt कर लिया था। The writ of habeas corpus can be issued, तो ये various type की writ आपसे जरूर पूछी जा सकती है, एक जरूर याद रखना जो कि है writ of habeas, तो इसमें simply क्या होता है, secure the release of person unlawful detained, यानी कि किसी को जब doubt के basis पे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके लिए एक तरीके से सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराई जाती है कि विद इन 24 आवर्स के अंदर उसे मजिस्ट्रेट्स के सामने प्रोवाइड भी कराना जरूरी है ताकि वो अपनी बात रख सके कि उसे किस बेसिस पे डिटेन किया गया। व्हिच अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस फंडामेंटल ड्यूटीज, तो हमारे देश में फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो टोटल स्टार्टिंग में तो 10 थी लेकिन अब 11th है, तो वो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसके अंदर ऐड की गई। अगला है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, तो जो फर्स्ट थे ये परमानेंट थे और नॉन परमानेंट दोनों थे, अगर आपसे नॉन परमानेंट पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन अगर आपसे परमानेंट पूछा जाएगा तब आप राजेंद्र प्रसाद के बारे में ही लिख कर आना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जो फाइनल ड्राफ्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा, तो वही अभी हमने रीड आउट कर लिया था, ऑप्शन नंबर सी 26th November 1949, और इसे इंप्लीमेंट कर दिया था ऑल ओवर द इंडिया, वो था 26th January 1950 को, तो इसलिए 26th January को हर साल हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर द इंडिया एस्टैब्लिश हो गया था।
एंड द लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू से रिलेटेड, जो सेकुलर एक जो टर्म है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इसका क्या मीनिंग है कि स्टेट का अपना रिलीजन ये तो हो नहीं सकता, स्टेट फेवर करता है एक रिलीजन को ओवर दी अदर ये भी नहीं है, रिलीजन का कोई प्लेस नहीं है पब्लिक लाइफ में ये भी नहीं है, स्टेट एक न्यूट्रल रोल प्ले करता है रिलीजन के मैटर के अंदर, ये बिल्कुल ठीक है, उसकी नजर में कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, वो सबको इक्वल तरीके से ट्रीट करने की बात करता है। तो ये सेकुलर वर्ड है जो कि हमारे इंडियन प्रीएम्बल में भी ऐड किया गया है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन 2, 3 और 5 मार्क्स वाले, होप्स हो कि आपको एमसीक्यू तो अच्छे से समझ आ चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है हमारे 2, 3 और 5 मार्क्स में जो कि है, व्हाट डज सेग्रीगेशन मीन इन साउथ अफ्रीका। तो देखिए, ट्रेन हो, बस हो, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट, ये सभी सेपरेट किया गया था व्हाइट एंड ब्लैक के बीच के अंदर। यानी कि ये वो जगह थी कि जैसे मान लीजिएगा कि अगर एक एग्जांपल ले स्विमिंग पूल का, तो यहाँ पे अगर लिखा है कि यहाँ पे सिर्फ व्हाइट पर्सन ही अलाउ है, तो वहां पे ब्लैक की एंट्री एक तरीके से बंद थी। तो पूरा देश जो था वो अपार्थियड के चक्कर में आ गया था, और जिसमें व्हाइट पीपल ने क्या किया था, पूरे देश को बांट दिया था कि ये जगह पे ब्लैक की एंट्री नहीं है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। व्हाट डज द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन टीच अस, कि हम साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या सिखाता है, ये हमें सिखाता है कि जो ऑप्रेसर एंड जो ऑप्रेस्ड है न्यू को डेमोक्रेसी के अंदर, वो एक साथ रह सकते हैं एज अ इक्वल। यानी कि देखो, अंग्रेजों ने वहां पे ब्लैक पीपल का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया था, लेकिन जब वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ब्लैक के हाथ में सारी मेजोरिटी आ गई थी, बट उन्होंने रिवेंज नहीं लिया। वो क्या चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं कि आपने गलत किया, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भी आपके साथ गलत करेंगे। इट वॉज नॉट ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर, और क्या गारंटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अंग्रेज उनके साथ रहेंगे, दोबारा उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही एक टफ काम होता है, बट ये चीजें हमें सिखाते कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने अच्छे तरीके से किया, एक अच्छे एग्जाम्पल दिया जो कि अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने इंस्पायर होकर इससे काफी ज्यादा हेल्प भी ली है। जब ये कर सकते हैं तो दूसरी कंट्री क्यों नहीं कर सकते। Who was the chairman of the Constitution Assembly? तो obviously जो first session हुआ था Constitution Assembly का 9th दिसंबर को हुआ था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो temporary chairman थे, तो इसलिए नॉन परमानेंट की लिस्ट में आते हैं, और उसके बाद जो परमानेंट थे तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। 11th दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो परमानेंट चेयरमैन भी डिक्लेयर कर दिए गए थे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जिसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, ये कैसे फॉर्म्ड हुई थी, कैसे बनी थी। तो देखिए, जो ड्राफ्टिंग जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो असेंबली द्वारा जो उसके अंदर जितने भी लोग बैठे थे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट किया था। अब जब इलेक्शन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो वो जुलाई 1946 में होता है, और इसकी फर्स्ट मीटिंग 1946 में ही होती है दिसंबर में। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नॉन परमानेंट बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी आफ्टर पार्टीशन डिवाइड भी हो जाती है, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ मेंबर थे वो 299 थे। अब उसके बाद जब पार्टीशन हो गया तो नंबर थोड़े इधर-उधर भी हो जाते हैं, और ऐसे में उस समय कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी डेथ भी हुई थी एज की वजह से, जो नॉर्मल चीज रहती है हर किसी एक एज अ ह्यूमन नेचर के तौर पे, तो मेंबर जो थे वो थोड़े रिड्यूस भी हुए थे। और साथ ही फाइनली 26 नवंबर 1949 को, जिसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, तो हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, और इसे इफेक्ट में यानी कि इंप्लीमेंट कर दिया था 26 जनवरी 1950 को। और आपको ये भी मैं आपको बताता हूँ कि अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया था। देखो, अंग्रेजों के भी इतना बड़ा देश था, उनको इस बात का डाउट था कि क्या इंडिया अपने बलबूते पे अपना खुद का लॉ बना सकता है, तो इंडिया ने ये चीज प्रूफ भी करके दिखाई थी, तो अंग्रेज यहाँ से चले गए थे। क्यों? अगर ऐसा ना होता ना, तो अंग्रेजों को लगता कि यार हम ये देश छोड़ देंगे तो क्या गारंटी है कि इंडिया का कोई दूसरा कंट्री अपनी कॉलोनी ना बना ले। विच बेसिक वैल्यू वर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेट टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें कोई डिबेट एंड डिस्कशन नहीं होता, सभी ने अपनी एक तरीके से आवाज में हाँ कहा था। वो क्या था? यूनिवर्सल अडल फ्रेंचाइज सभी सिटीजन को देने की बात की गई थी, यानी कि राइट टू वोट। तो हमारे देश में स्टार्टिंग में 21 साल था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 18 साल या उससे ज्यादा का है, और ये चेंज हुआ था राजीव गांधी की गवर्नमेंट जब 1989 का टाइम था, और उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर लास्ट टाइम थे वो, उनके बाद उनकी डेथ भी हो गई थी, मतलब एक तरीके से
तमिलनाडु का वो एक इंसिडेंट है जिनमें एक तरीके से उनको हार पहनाया गया था, तो हार में वो बॉम्ब था, है ना। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें कोई डिबेट एंड डिस्कशन नहीं होता, जैसे हर एक लोगों को राइट टू फ्रीडम इक्वालिटी ग्रांट की गई, और साथ ही साथ ब्रिटिश कंट्रोल के टाइम पे जो था इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी, तो इसलिए इक्वालिटी लाना काफी ज्यादा जरूरी था। तो इसके अलावा प्रमोट किया गया था माइनॉरिटी ग्रुप को ताकि वो भी अपर लेवल पे आ सके, जिसके अंदर एससी एसटी ओबीसी जैसे ग्रुप इन्वॉल्व है। व्हाट इज मीन्ट बाय सोवन सोशलिस्ट एंड सेकुलर, कीवर्ड्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे प्रीएम्बल में भी एडअप किए गए हैं। तो देखिए सोवन मतलब होता है सिंपली, अगर हम बात करें इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, कोई आउटसाइड पावर हम पे रूल नहीं कर रही है। सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है कि जो वेल्थ है वो आप कह सकते हो कि इक्वल तरीके से शेयर किया जाए सोसाइटी के अंदर, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। और साथ ही सेकुलर यानी कि भाई जो स्टेट है उसकी नजर में कोई भी रिलीजन इतना एक्सट्रीम या पावरफुल नहीं है, वो सबको फ्रीडम देता है और इक्वालिटी लाने की बात करता है। Who led the struggle against the apartheid and state any four practices following in this system of apartheid in South Africa? तो सबसे पहले इस स्ट्रगल को apartheid के अगेंस्ट में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई थी जिसको अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कहा गया था, जिसमें छोटी मोटी पार्टियां सभी शामिल हो गई थी। तो इन्होंने स्ट्रगल करी थी अगेंस्ट apartheid। तो बहुत से ऐसे सेंसिटिव जो वाइट्स थे उन्होंने भी एएनसी को ज्वाइन किया था, क्योंकि वो भी अपोज थे अपार्थियाड के, और साथ ही साथ कुछ ने तो अपना काफी लीडिंग रोल भी प्ले किया था। इसमें मेरे को नाम याद आता है नेल्सन मंडेला जी का भी। अपार्थियाड जो था एक नेम था, वो एक सिस्टम है या कह सकते एक पॉलिसी था जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिली थी साउथ अफ्रीका के अंदर, विच इज टोटली रॉन्ग। अब क्या होता है कि अपार्थियाड सिस्टम में क्या क्या चीजें थी, देखिए वाइट जो यूरोपियन थे वो इम्पोज करते सिस्टम को नॉन वाइट पीपल के ऊपर, यानी कि वो दूसरे इंग्लैंड से आके साउथ अफ्रीका में एक तरीके से सेटल हो जाते हैं, और वहां के जो नेटिव पीपल है जो ब्लैक है ज्यादातर मेजॉरिटी में, तो उनके साथ वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उन्हें अपना गुलाम बना लेती है। ब्लैक जो है वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरिया, तो उनको मना किया जाता है कि वाइट एरिया में आपकी एंट्री नहीं है। दे कुड वर्क इन दिस एरिया ओनली इफ दे हैड अ परमिट, और उनको सिर्फ तभी जाने की परमिट मिलती थी अगर उनको परमिशन दिया गया, मतलब आप उस जगह पे जा सकते हो। दिस वर सेपरेट, और उन्हें देखो कहां कहां पे ये सारी चीजें एंट्रियां बनती, कि स्कूल अलग, कॉलेज अलग, होटल अलग, हॉस्पिटल, ट्रेन, मतलब एवरीथिंग जो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट होती है, कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि व्हाइट एंड ब्लैक एक साथ मिलके रहे, सबको पूरी तरीके से सेग्रीगेट कर दिया गया था। ब्लैक कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर द व्हाइट वर्शिप, यहां तक कि चर्चेस में भी मना कर दिया गया क्योंकि वहां पे व्हाइट पूजा पाठ करते हैं। द नॉन व्हाइट वर डिनाइड द वोटिंग राइट एंड इवन द बेसिक ह्यूमन राइट, यहां तक कि ब्लैक को वोटिंग राइट तो छोड़ो, उनको बेसिक ह्यूमन राइट तक से भी दूर रखा गया था। तो इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड में जब ये चीजें फैलने लगी तो इसको काफी ज्यादा सैंक्शन किया गया था, कंडेम किया गया था इसके लिए कि ये टोटली रॉन्ग है, और वहां पे फिर व्हाइट गवर्नमेंट ने ढिलाई भी बरती थी, और फाइनली वहां पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश भी हो गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हमें इसकी क्या जरूरत है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हो सेट ऑफ रिटन रूल, एक रूल बुक है जिसके अंदर सारी चीजें लिखी होती है कि कंट्री के अंदर जो पीपल्स है वो कैसे रह सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ होता है जो कि रिलेशनशिप बनाए रखता है सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, कि किस तरीके से गवर्नमेंट काम करेगी लोगों के डेवलपमेंट से रिलेटेड, सिंपल सा है। इसके अलावा हमें नीड इस वजह से है क्योंकि ये जनरेट करता है डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन जो कि काफी नेसेसरी है डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जो कि साथ रह रहे हैं। साथ ही साथ ये स्पेसिफाई करता है गवर्नमेंट को कि वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, और साथ ही पावर है उसको डिसीजन कैसे लेने पड़ेंगे, मतलब गवर्नमेंट कैसे डिसीजन ले सकती है, ऐसा नहीं कि वो अपनी अनलिमिटेड पावर को शो करे जो उसको मिली है, क्योंकि वो भी लिमिटेड टाइम के लिए मिली है, जैसे 5 साल हमारे देश के अंदर एक गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। इट ले डाउन लिमिट ऑन the power of the government and tell us what the right of the citizen are. साथ ही साथ ये government के power को lay down भी करती है, और ये इस बारे में बताता है constitution कि लोगों के लिए क्या ज़्यादा सही है, और express साथ ही साथ ये करता है कि लोगों की जो expression है good society के लोगों कैसी होनी चाहिए, और Indian constitution इस चीजों को लेके काफी important अपना role play करता है कि society के अंदर majority के साथ minority group भी रहते हैं जिसमें SC ST OBC सभी शामिल हो जाते हैं, तो खास उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है।
दैट इज द रीजन कि यार हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। अच्छा, व्हाई डू यू थिंक देयर इज अ इंपॉर्टेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन टू अ डेमोक्रेटिक कंट्री? तो पिछले वाले के कुछ सिमिलर टॉपिक भी आप लिख सकते हो। तो जैसे कि हमने बात ही कर ली थी कि एक सेट ऑफ रिटन होता है जिसके अंदर एक रिटन रूल्स होता है जिसके अंदर सारी चीजें मेंशन होती है कि कंट्री के अंदर गवर्नमेंट कैसे रन की जाएगी, पावर कैसे दी जाएगी लोगों के बीच में, आप कह सकते हो कि यूनिटी कैसे बनाई जा सकती है। तो डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट जो होती है फॉर्मड होती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो अपनी पावर का गलत तरीके से यूज ना करे। और डेमोक्रेसी के अंदर ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो सिटीजन के राइट्स होते हैं उनको सेफगार्ड्स मिलते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसकी पूरी रिस्पांसिबिलिटी लेता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस करता है एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट द क्रिएट अ गुड सोसाइटी, ताकि भाई लोगों की एस्पिरेशन फुलफिल हो सके। अगर उनका डेवलपमेंट होगा तो इसका मतलब सोसाइटी का डेवलपमेंट, और सोसाइटी का डेवलपमेंट का मतलब है देश का डेवलपमेंट। लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ वाज द अपार्थाइड प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका? तो हमने देख ही लिया था कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो अपार्थाइड था वो किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। तो सिंपली कलर को लेकर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, एक लेबल दिया गया था ब्लैक वर्सेस व्हाइट के अंदर, और ब्लैक के अंदर कुछ ऐसे पीपल्स भी थे जो माइग्रेटेड थे फ्रॉम इंडिया से। तो जो नॉन व्हाइट्स थे उनके साथ ऐसा ट्रीट किया जाता था कि वो इस देश के ही नागरिक नहीं है, ना ही उनको वोट का राइट दिया जाता था, ना ही उनके कुछ बेसिक राइट्स होते थे। इसके अलावा उनको व्हाइट एरिया में भी जाने की मनाही थी, सिर्फ परमिशन के बेसिस पे उन्हें कोई काम मिल सकता था। ट्रेन हो, बस हो, टैक्सी हो, होटल हो, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, बीच, स्विमिंग पूल, इन सभी जगहों को सेग्रीगेट कर दिया था, अलग अलग कर दिया था कि जहां व्हाइट जाएंगे वहां ब्लैक नहीं जा सकते। यहां तक कि जो चर्चेस होते थे वहां पर भी आप कह सकते हो कि सिर्फ व्हाइट को ही परमिशन थी क्योंकि उन्हीं का रूल था, आर्मी के दम पे उन्होंने वहां पे अपना ये सारा रूल एस्टैब्लिश किया था, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेट हो रहा था किनका, ब्लैक का। नेल्सन मंडेला का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जिन्होंने स्ट्रगल करी थी और फाइनली जाके आप कह सकते हो कि अप्रैल का महीना 1994 और वहां पे डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो जाती है और वहां के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं ब्लैक प्रेसिडेंट, जिनका नाम होता है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला और गांधी जी के रिलेशन अपने आप में ही बड़े इनक्रेडिबल टाइप के भी रहे हैं। तो ये था बच्चों आज की इस क्लास में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट MICQ, यानी कि इसके अंदर MCQ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन सभी मैंने आपको कवर करा दिए। इनफ है इस लेसन से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आपके लिए आना था। होप सो कि आपको हर एक क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। एंड यस, रिमाइंडर के तौर पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो क्योंकि सारी PDF वहां पे एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी। और एक सोर्स के तौर पे आप ओसवाल का जरूर प्लेटफॉर्म है जहां पे अपने टेस्ट दे सकते हो, आप अपनी नॉलेज चेकआउट कर सकते हो, और साथ ही साथ एज अ रेफरेंस अगर आपको अपनी स्टडी करनी है तो सिंपली सभी क्वेश्चन बैंक होते हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे ताकि आप आराम से चेकआउट कर सको और अपनी सेल्फ प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सको। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।